नमस्कार दोस्तों, फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। सोनालिका 47 RX DI ये ट्रैक्टर का एनगुटी जो है पावर स्टीयरिंग है। एनगुटी जो है ये ख़राब हो चुका है, ये चेंज करना चाहिए और ये चेंज करूँगा। और सिलेंडर का पावर स्टीयरिंग का जो सिलेंडर है ये सील भी लीकेज हो रहा है, ये भी चेंज करूँगा। तो दिखाऊँगा आप लोगों को कैसे सील चेंज करते हैं और एनगुटी कैसे खुलते हैं, ये दिखाऊँगा। और एनगुटी में 24 नंबर नट रहता है, ये खुलना चाहिए पहले। तो देख लीजिए दोस्तों कैसे चेंज करते हैं, सील कैसे चेंज करते हैं, एनगुटी कैसे चेंज करते हैं, ये दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अभी एनगुटी का नट खुल रहा हूँ, तो एनगुटी का नट खुल गया हमारा। तो अभी हाथुड़ी से मार मार के बाहर करना है एनगुटी। तो देख लीजिए दोस्तों कैसे बाहर करते हैं। तो हमारा एनगुटी बाहर हो गया, तो देख लीजिए दोस्तों एनगुटी बाहर हो गया। तो अभी एनगुटी तो खुल गया, एनगुटी में जो बॉकेट है सिलेंडर में, ये कैसे सेंस करते हैं, कैसे खुलते हैं और ये बॉकेट खुलने के लिए क्या क्या खुलना चाहिए, तो ये दिखाऊंगा आप लोगों को। और ये बॉकेट खुलने के लिए सिलेंडर का आगे में एक चेकनट होगा बॉकेट में, तो ये चेकनट खोलना चाहिए पहले। तो देख लीजिए दोस्तों कैसे चेकनट खोलते हैं। ये वस्तु हमको किले खराब हो जाना चाहिए बाटी का कोठे इतना काले। तो चेकनट ढीला हो चुका है, अभी खोलना है चेकनट। ये चेकनट खोलने के बाद बॉकेट अंदर में लेना होगा और अंदर में लेने के बाद एक लॉक भी होगा, ये लॉक खोलना चाहिए पहले। ये पाइप खोलना चाहिए दोनों पाइप, क्योंकि ये अंदर में जो हवा है ये हवा निकल लेना चाहिए। अगर ये पाइप नहीं खुला तो ये बॉकेट अंदर में नहीं जाएगा। तो पहले ये पाइप खोलना चाहिए, 19 नंबर का है पाइप। तो एक पाइप खुला हो चुका है और एक पाइप खोलना है। ये पाइप भीतर से नहीं खुल रहा है, ये पाइप बाहर से खुलना होगा। तो ये पाइप खोल रहा हूँ अभी, ये पाइप खोलने के बाद ये बॉकेट बाहर करूँगा। तो हमारा ये पाइप भी खुला हो चुका है और दोनों पाइप खुला हो चुका है। ये पाइप से अभी ऑयल बाहर होगा, ये ऑयल लेना चाहिए, स्टार्टिंग ऑयल है ये। तो देख लीजिए दोस्तों ये है स्टार्टिंग ऑयल। तो ये एनगुटी अंदर में ठेल के, और अंदर में ठेलने के बाद एक लॉक होगा बॉकेट में, ये लॉक खोलना चाहिए। ये लॉक खोलने के बाद ये बॉकेट बाहर होगा, अगर ये लॉक नहीं खुला तो बॉकेट नहीं बाहर होगा। तो ऑयल बाहर कर दिया, अभी एक डाइवोल लेके ये बॉकेट अंदर में ठेलना चाहिए थोड़ा। अंदर में ठेलने के बाद एक लॉक होगा, ये लॉक खोलना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों कैसे ये बॉकेट बाहर करते हैं और ये एनगुटी कैसे बाहर करना है। तो देख लीजिए कैसे बाहर करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों ये लॉक बाहर हो चुका है, अभी एनगुटी बाहर करना है, बॉकेट भी बाहर करना है। तो देख लीजिए दोस्तों बॉकेट भी बाहर हो गया, एनगुटी भी बाहर हो गया। तो देख लीजिए दोस्तों मेरा हाथ में ये बॉकेट और एनगुटी है। तो अभी ये 24 नंबर एक नट रहेगा, ये नट खोलना चाहिए, ये नट खोलना चाहिए। यह नट खोलने के बाद ये बॉकेट बाहर होगा।
ये आ गया पुराना वाला जो है, ये खोल लिया यहाँ से, और ये आ गया नया वाला। तो अभी ये 24 नंबर जो बोल्ट नाट है ये खुल के ये सब बाहर निकल के फिर यहाँ से इसी का अंदर में बॉकेट भी रहता है, ये बॉकेट चेंज करना है, बॉकेट भी नया आना है। तो देख लीजिए दोस्तों सोनालिका कंपनी है बॉकेट, तो ये चेंज करूँगा। पहले ये जो पुराना वाला में 24 नंबर नाट है ये खोलना होगा, ये नाट खोलने के बाद ये बॉकेट बाहर होगा। तो देख लीजिए दोस्तों ये नाट खोलने के बाद कैसे बॉकेट चेंज करते हैं। तो ये नाट ढीला हो चुका है, अभी खोल रहा हूँ। तो ये एक चीज खुल गया और जो बॉकेट है ये भी खुल गया। पुराना वाला एनगुटी और नया वाला एनगुटी दोनों मापना चाहिए बराबर है क्या नहीं। तो हमारा एनगुटी बराबर है, तो एनगुटी माप लिया। अभी ये बॉकेट चेंज करना चाहिए, ये बॉकेट पुराना वाला जो बॉकेट है ये खोलूँगा और नया वाला बॉकेट घुसाऊँगा। तो देख लीजिए दोस्तों इसी का अंदर में बॉकेट रहता है, तो ये पुराना वाला बॉकेट खराब हो चुका है, लीकेज हो रहा है। ये बॉकेट खोलूँगा और नया बॉकेट लगाऊँगा। तो ये पुराना वाला बॉकेट कैसे खुलते हैं तो देख लीजिए। तो हमारा एक बॉकेट खुला हो चुका है और अंदर में और एक बॉकेट भी है, मतलब सील भी है, ये सील खोलना होगा। तो अंदर में जो सील है ये बाहर हो चुका है, तो देख लीजिए दोस्तों अंदर में जो सील है ये बाहर हो चुका है और बाहर में और एक ऑयरिंग भी है, ये ऑयरिंग खोलना चाहिए, ये ऑयरिंग भी नया लगाऊंगा। तो देख लीजिए दोस्तों बाहर में जो ऑयरिंग है ये भी खुला हो चुका है, तो अभी नया वाला ऑयरिंग लगाऊंगा। थोड़ा पूछ लेना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों ये है सील और सोनालिका कंपनी है, तो देख लीजिए दोस्तों सोनालिका पूरा ओरिजिनल कंपनी है। तो अभी ये सील घुसाऊंगा, कैसे घुसाते हैं तो देख लीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों और थोड़ा बाकी है ऑयल सील जाने के लिए, और ये पूरा जाने के बाद पूरा फिट हो जाएगा। और ये ऑयल सील फिटिंग होने के बाद और एक बाहर में सील होगा, ये भी लगाऊंगा। तो देख लीजिए दोस्तों ऑयल सील घुस गया, तो अभी बाहर वाला जो सील है ये लगाऊंगा। बाहर वाला जो सील है ये कैसे लगाता है तो देख लीजिए। तो देख लीजिए बाहर वाला सील लग गया, अभी लगाना है ओयरिंग। तो देख लीजिए दोस्तों ये है ओयरिंग, और ओयरिंग बैठाने के लिए ये जगह में एक ग्रुप भी होगा, ये ग्रुप में ओयरिंग बैठाना है। तो देख लीजिए दोस्तों कितना आराम से ये ओयरिंग लग गया। तो हमारा और एक चीज रह गया, तो इसी का अंदर में भी बाहर में भी ओयरिंग रहता है, तो ये पुराना वाला खोल के नया वाला लगाना है। तो इसी का अंदर में दो ओयरिंग रहता है, ये एक खुल गया और एक बाकी है खुलने के लिए। तो देख लीजिए दोस्तों ये है एक ओयरिंग, तो ये दोनों खोल के नया ओयरिंग डालना है इसी का अंदर में। तो खुल गया हमारा पुराना वाला ओयरिंग, तो अभी नया ओयरिंग डालता हूँ इसी के अंदर में, ओयरिंग लगाता हूँ। तो थोड़ा पूछ लेना चाहिए।
तो ये आ गया नया वाला वायरिंग। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है नया वाला वायरिंग। तो ये आराम से लगाना चाहिए, अच्छी तरह से लगाना चाहिए। और ये अच्छी तरह से नहीं लगाया तो लीकेज हो जाएगा। और ये वायरिंग लगाने के बाद और एक भी वायरिंग है, तो देख लीजिए दोस्तों ये वायरिंग कैसे लगाते हैं। ये वायरिंग लगाने के लिए थोड़ा तकलीफ भी होगा, आराम से, लेकिन आराम से लगाना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, ये भी लग गया। तो देख लीजिए, ये भी लग गया वायरिंग। तो देख लीजिए दोस्तों, इसी का अंदर में भी वायरिंग सील लग गया और इसी का भी सब कुछ लग गया। अभी ये अंगूठी में घुसाता हूँ। तो अंगूठी में एक 24 नंबर नट भी है, ये खुलना चाहिए। और ये खुलने के बाद ये चेक नट नीचे में होगा पहले, और बाद में एक लॉक भी होगा। तो ये है लॉक। तो ये लॉक लगाने के बाद ये बॉकेट भी लगाना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, बॉकेट किस तरफ देता है। तो बॉकेट घुस गया। अभी लास्ट में ये, तो ये ऐसा दे के, और ऊपर में एक 24 नंबर नट है, ये नट लगाना चाहिए। ये नट अच्छी तरह से लगाना चाहिए और अच्छी तरह से टाइट देना चाहिए। अगर ये नट टाइट कमती हुआ तो स्टार्ट देने के बाद, स्टार्टिंग काटने के बाद बाहर हो जाएगा ये अंगूठी। इसीलिए दोस्तों अच्छी तरह से टाइट देना चाहिए। ये अंगूठी इस तरफ घुसा के टाइट देना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, ये अंगूठी का जो 24 नंबर नट रहता है ये टाइट हो चुका है। तो अभी सिलेंडर में ये अंगूठी घुसाना है। तो देख लीजिए दोस्तों कैसे घुसाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा बॉकेट घुस गया। तो अभी लगाना है ये लॉक। तो देख लीजिए दोस्तों कैसे लॉक लगाते हैं। तो हमारा बॉकेट भी लग गया, लॉक भी लग गया, और थोड़ा अंगूठी बाहर करना है। तो बॉकेट बाहर हो चुका है, अभी लगाना है फाइनली चेक नट। तो देख लीजिए दोस्तों, चेक नट लगा रहा हूँ। थोड़ा टाइम के लिए चेक नट को छोड़ दिया। अभी अंगूठी का जो नट है ये लगा देता हूँ। और ये नट, अंगूठी का नट लगाने के बाद ये चेक नट टाइट दूंगा। तो अभी अंगूठी का नट लगा रहा हूँ, टाइट भी दे रहा हूँ। ये टाइट देने के बाद ये चेक नट लगाना होगा, चेक नट को टाइट देना होगा। तो अंगूठी का नट टाइट हो चुका है, अभी चेक नट को टाइट देता हूँ।
तो चेक नट टाइट हो रहा है, तो देख लीजिए दोस्तों चेक नट टाइट हो चुका है। अभी जो पाइप खोला है ये पाइप लगाना होगा। तो देख लीजिए दोस्तों पाइप जो खुला है ये पाइप, एक पाइप टाइट हो चुका है और एक पाइप टाइट देना बाकी है। तो देख लीजिए दोस्तों एंड भी लगा दिया, बॉकेट भी लगा दिया और इधर पाइप भी लगा दिया और इधर भी पाइप लगा दिया। तो अभी स्टार्ट करके देख लेता हूँ इधर से लीकेज हो रहा है कि नहीं। तो अभी स्टार्ट करूँगा, तो अभी स्टार्ट करूँगा ये सब। तो एनगुटी भी लगा दिया इधर, ऑयल सील चेक नट ये भी लगा दिया, पाइप भी लगा दिया। तो अभी स्टार्ट करके देख लेता हूँ यहाँ से लीकेज हो रहा है कि नहीं। स्टार्ट करो। पिकअप दो, घुमाओ, बंद कर। तो देख लीजिए दोस्तों लीकेज नहीं हो रहा है, तो हमारा वीडियो भी खत्म हो रहा है। अगला वीडियो देखने के लिए जरूर इंतजार करना। थैंक यू दोस्तों।